हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम क्रिएटिविटी विद सुची में। क्या आई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। इसमें मैंने थोड़ी सी अपनी ग्रोसरी शेयर की है और चिकन करी की रेसिपी शेयर की है। तो जितने भी मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं जो ये मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी करिएगा। और आपका एक लाइक बहुत मायने रखता है, अच्छा लगता है जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। और आज मैंने बेहद ही सिंपल वे में चिकन करी की रेसिपी शेयर करने की कोशिश की है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। और जितने भी मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड हैं उन सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। नॉन वेजिटेरियन हैं फ्रेंड्स जिनको पसंद है ये खाना, तो उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली बहुत ही क्विक इजी रेसिपी, आप लोग जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। तो यहाँ मैं सारे सामान खरीद के ले आई हूँ और ये वो सामान है जो फिलहाल ख़त्म हो गया था। तो कुछ चीज़ें जो मेरे पास पहले से है तो मैंने उनको ऐड नहीं किया था, जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह, रिफाइंड, ये सब। तो ये जो जो चीज़ें ख़त्म हुई थी मैं अभी वही लेके आई हूँ। तो इसमें देख लीजिए कि आटा है 10 kg का पैक, और ये रहा बरासा केचप का पैक, क्योंकि कुछ भी बनाओ तो केचप के साथ ही हमारे घर में सब खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही एक बड़ा पैक है न्यूट्रीला का, जो सोयाबीन होता है, तो वो 99 का एक बरासा पैक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सबको बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। तो ये भी मुझे सारे डिस्काउंट पे मिल रहे थे, तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा पैक ले आई। और कुछ मसाले हैं, और इधर है राइस के पैकेट्स, तो 5 kg के 2 पैकेट हैं राइस के। और इधर है मेयो, मतलब कि मेयोनेज। और जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ वहाँ पे राइस बहुत ही अच्छा मिल जाता है, वो भी मार्केट जो प्राइस होता है मार्केट का, उससे थोड़े कम प्राइस पे। तो मैं ये इकट्ठा करके ले आती हूँ ज़्यादा करके। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ राशन का सामान, ये मेरा 1 महीने से ज़्यादा ही चल जाता है। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं, कुछ पाउडर मसाले हैं और कुछ खड़े मसाले हैं, जैसे कि सौंफ है, जावित्री है, और कुछ ये गरम मसाले के पैकेट्स हैं, सॉस वगैरह है, और ये है 1 kg का पैकेट है बेसन का, ये जावित्री है जो गरम मसाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही रखा है इधर को, इसको हम लोग बोलते हैं मुढ़ी, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, फिलहाल तो मैं राजमा मसाला दिखा रही हूँ। तो मैं 2-3 तरह के मसाले ले आई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें बीच बीच में बनती रहती हैं, तो कभी कभार मैं ऐसे रेडीमेड मसाले से बना लेती हूँ, कभी कभार घर में तैयार करती हूँ, तो दोनों ही रखती हूँ मैं। और इधर एक नूडल का पैकेट है, एक वो मैंने खोल दिया था और एक रखा हुआ है। तो इससे मैं चाउमीन जब भी बनाती हूँ मैं इसी से बनाती हूँ। और हाँ, ये मैं दिखा रही थी, ये है मुढ़ी, तो इसको कुछ लोग फरही भी बोलते हैं या शायद लाई भी बोलते हैं। और तो ये भी बहुत इस्तेमाल में आता है। और यहाँ है चावल, तो जो चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ डेली बेसिस पर वो मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे है 1 kg सूजी, तो छोटे छोटे पैकेट मिले मुझे तो वो ले आई। तो यही सारी चीज़ें हैं, सॉल्ट है। तो ये थी मेरी शॉपिंग, और चलिए अब चलते हैं किचन में। तो ये मैंने पहले भी बता दिया कि ये मेरी टोटल शॉपिंग नहीं है, कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं, कुछ चीज़ें जो पहले से रखी थी वो मैंने ही लाई। और आज मैं बना रही हूँ चिकन करी, तो मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने को, और इधर है मेरा चिकन भी मैरिनेट किया हुआ। तो ये करीब 700 ग्राम चिकन है जिसको मैंने हल्दी, नमक, सरसों का तेल, दही के साथ मैरिनेट किया है। और यहाँ है प्याज, तो 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज जो है उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, महीन नहीं काटा है। और 5 से 6 हरी मिर्ची, तो मैं बिल्कुल देसी बिहारी स्टाइल में बना रही हूँ। और इधर है लहसुन और अदरक,
तो हरी मिर्ची मैंने थोड़ी ज़्यादा करके डाली है। इसके बाद मैं लाल मिर्च का पाउडर भी डालूंगी, थोड़ा तीखा बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल दी इसमें 1/4 चम्मच हींग, और अभी डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच जीरा। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे प्याज और हरी मिर्ची। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप चिकन को बस धो के मैरिनेट करके रख दीजिए और सारी चीज़ों को बस रफली चॉप करना है। जब तक आपका तेल गर्म होगा कढ़ाई में, आप फटाफट चॉपिंग करते रहिए और झटपट बन जाएगा। तो बहुत ही क्विक रेसिपी है और टेस्ट बिल्कुल देसी वाला आएगा। तो बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार चिकन करी। तो प्याज को मैंने 1 से 1.5 मिनट भूना है मीडियम फ्लेम पे, हाई टू मीडियम रखिए, बस प्याज जलने ना पाए बट उसका एक कलर चेंज हो जाए तब तक भूनिए। और उसके बाद ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो अब ये आपकी इच्छा पे है, अगर आप दही पसंद करते हैं तो आप मैरिनेट करिए, नहीं तो अगर नहीं पसंद करते तो ऐसे ही बना सकते हैं। और इसको मैंने 5 मिनट चलाते हुए पकाया था। तो ये देखिए आधा तो पक ही गया है। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया है नमक और धनिया, जीरा, काली मिर्च का पाउडर। अब इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी। और ये है लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली। तो इसको अब ढक्कन लगा के पकाना है। अब शुरू में मैंने 5 मिनट ऐसे ही पका लिया। तो मैंने पहले भी बताया है कि चिकन को मैं पहले थोड़ा तेज आंच पे पकाती हूँ फिर ढक्कन लगा देती हूँ। तो इससे देखिए नमक डालने से पानी भी बहुत सारा निकल गया है। अब इसमें डाल देंगे हम कूटा हुआ अदरक लहसुन। तो मैंने पीस के नहीं डाला है, कूटा हुआ डालने से एक अलग सा फ्लेवर आता है, टेस्ट भी ज़्यादा आता है। तो इसको मैंने अब जाके ऐड किया है। तो 5 मिनट आप ऐसे चला के पकाइए, फिर उसको ढक्कन लगा के पका दीजिए 5 मिनट, और उसके बाद अदरक लहसुन के बाद भी आप उसको ढक्कन लगा के फिर से पकाइए। और अब इतने देर पकाने के बाद करीब 15 मिनट, उसके बाद देखिए अब चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसमें मैंने लास्ट में गरम मसाला डाला है, चाहे तो चिकन मसाला डाल दीजिए और अच्छे से मिला दीजिए। तो इस तरह इस कड़ी को पकाने में कुल 20 मिनट के आसपास में लगता है और चिकन पूरी तरह पक के रेडी हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नए वीडियो में, टिल देन टाटा।